सो हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो आज मैं आया हूँ इमेजेस बाज़ार। पीछे दिख रहा होगा आपको बोर्ड। तो इमेजेस बाज़ार, जिसको नहीं पता, वो संदीप माहेश्वरी की कंपनी है और यहाँ फ़िलहाल मेरा शूट है अभी, तो इस वजह से मैं अभी आया हूँ और मैं अभी अंदर बैठा हुआ हूँ। अभी एंट्री हुई है और मुझे वेट करना है। ये कुछ इंटीरियर है यहाँ का, वेटिंग रूम का। और सामने जो आपको टीवी था उसमें शूट्स दिखा रखे थे कि कैसे कैसे शूट्स होते हैं इनके। और फिलहाल मुझे थोड़ी अभी गर्मी लग रही है क्योंकि मुझे ढूंढने में टाइम लग गया। एंड मेरे लिए बड़ी बात है कि मैं संदीप माहेश्वरी सर की कंपनी देख पा रहा हूँ अंदर से, इसलिए। और ये देखो पीछे डिज़ाइन, बहुत क्रिएटिविटी है यहाँ पर। और ये ब्लॉग पूरा देखना, मैं पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको कि शूट कैसे हुआ, क्या क्या चीज़ें हुई मेरी। और अभी फ़िलहाल उन्होंने मुझे वेट करने के लिए बोला है, अभी वो आएंगे और मुझे सारी चीज़ें समझाएंगे और फिर शूट होगा और एक इंट्रो होगा ऑडिशन वाला मेरा। तो आई हैव डन माय ऑडिशन, तो मैं अब जा रहा हूँ वापसी। और काफ़ी सही था, घर जाके पूरा रिव्यू दूंगा कि क्या था क्या नहीं था वहाँ पे। तो मैं आ चुका हूँ फाइनली वहाँ से और मैं आपको चीज़ें बताता हूँ कि मतलब कैसे एक्सपीरियंस रहा और क्या क्या करा वहाँ पर जाकर। तो जो एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो क्या होता है इसमें, मैं आपको बताता हूँ कि सिलेक्शन प्रोसेस होता क्या है। तो आपको पहले अपनी प्रोफाइल्स भेजनी होती है, अगर आपकी प्रोफाइल सेलेक्ट होती है तो वो आपको एक सेकेंड प्रोफाइल्स दोबारा भेजने के लिए बोलते हैं, जो मतलब एक कंडीशन में भेजते हैं कि इस टाइप की भेजो, तो वो भेजनी होती है। अगर आपकी वो सेलेक्ट होती है तो फिर वो आपको ऑफिस बुलाते हैं अपने। उन्होंने मुझे ऑफिस बुलाया अपने। ऑफिस बुलाने के बाद पहले उन्होंने चेक करा कि मतलब कि मेरा नाम उन्होंने पूछा वगैरह, एंट्री करवाई। उसके बाद मैं अंदर गया तो उनका, आपने वीडियो में भी देखा होगा, तो ये वेटिंग एरिया है। तो वेटिंग एरिया में मैं बैठा और वेटिंग एरिया में मुझे करीबन 15 मिनट या 15-20 मिनट्स वेट करा। 15-20 मिनट वेट करने के बाद वो आए और उन्होंने मुझे अपने लैपटॉप पे अपनी सारी चीज़ें बताई कि आफ्टर सेलेक्शन जो शूट होगा वो आपका इस तरीके से होगा और आपकी ये टाइमिंग्स होगी आने की। इनसाइड अगर आपका शूट होगा तो आपका ये टाइमिंग होगी और ऐसे आना पड़ेगा, अगर आउटडोर शूट होगा तो आपको ऐसे आना पड़ेगा। ये चीज़ उन्होंने मुझे थोड़ी सी बताई। फिर उन्होंने मुझे प्रोफाइल्स दिखाई कि जो ऑडिशंस के लोगों ने अपने ऑडिशंस दिए थे, वो थोड़ी उन्होंने चीज़ें दिखाई कि ऐसे ऐसे है। मैं वैसे पहले दे चुका हूँ ऑडिशंस, मतलब इसमें नहीं, किसी और चीज़ में, तो मुझे पता है। मैंने इसमें नहीं दिया, मतलब क्या बोलते हैं, हाँ, तो मैंने प्रिंट शूट नहीं किया। बाकी मैंने वैसे शूट्स करे हुए हैं एक्टिंग के अपने, तो प्रिंट शूट तो मैंने नहीं किया पहले। तो फिर उसके बाद उन्होंने एंट्री करी, उन्होंने मुझे चीज़ें समझाई क्या क्या चीज़ें हैं उनकी, दिखाई उन्होंने। फिर मुझे उन्होंने सारा समझाने के बाद देन था, फिर उनको कैमरा लाए। कैमरा लाने के बाद उन्होंने मुझे नॉर्मल्स अपने पोज बताए। पोज बता बता के मैंने उसमें फ़ोटोज़ क्लिक हुई मेरी और एक्सप्रेशंस थे। बेसिकली इसमें क्या देखा जाता है, जब प्रिंट शूट्स होते हैं उसमें एक्सप्रेशन देखा जाता है कि आपके एक्सप्रेशंस कैसे हैं। और मतलब जो भी आप पोस्टर्स देखते हो, जो भी टीवी पे पोस्टर्स आते हैं या फिर कहीं पे भी किसी भी एडवर्टीजमेंट में पोस्टर लगते हैं, तो उस चीज़ के होते हैं। तो उसमें एक्सप्रेशंस बेसिकली मेन होते हैं आपके एक्टिंग्स में, जो आपकी चीज़ें होती है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने मुझे बताई। और फिर मेरी कम से कम अराउंड 7-8 या 10 अराउंड पिक्चर्स क्लिक हुई। इतनी पिक्चर्स क्लिक होने के बाद, अब होने के बाद उन्होंने मुझे एक चीज़ और बताई कि आपको ये चीज़ और थोड़ी और करनी चाहिए तो वो और बेटर होगा, ठीक है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि उन्होंने मुझे सजेशंस भी दिए उस चीज़ के अंदर, और बहुत बेटर लगा मुझे। और जो बिहेवियर था उनका बहुत अच्छा था और जगह भी काफ़ी अच्छी थी देखने में। मुझे संदीप माहेश्वरी सर तो नहीं दिखे, मैं विश कर रहा था कि संदीप माहेश्वरी सर मुझे वहाँ पर दिख जाए और मैं उनसे मिल पाऊँ, बिकॉज मैं उनका फ़ैन हूँ और मेरा ड्रीम है उनसे मिलने का। मैं चाहता तो उनसे पूछ सकता था, जो उनके एम्प्लॉयज़ थे, कि संदीप माहेश्वरी सर है या उनसे मिल सकता हूँ, बट मैंने ऐसा नहीं करा क्योंकि प्रोफेशनल वर्क था और प्रोफेशनल वर्क में ऐसी चीज़ें नहीं करते। बट हाँ, मैं नेक्स्ट टाइम, अगर जब नेक्स्ट टाइम मुझे जाना होगा शूट्स के लिए, तो मैं डेफिनेटली पूछूंगा और ट्राई करूंगा कि मैं संदीप माहेश्वरी सर से मिल सकूं एंड उनको व्लॉग में ले सकूं। बाकी मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दी कि क्या क्या था मेरा जाने का और क्या क्या पूरा प्रोसेस था।
तो अगर आपको ये पसंद आए, ये व्लॉग पसंद आया हो, आपको चीज़ें थोड़ी सीखने को मिली हो, आपको थोड़ा आइडिया मिला हो कि कैसे क्या देते हैं। और हाँ, इसके बाद मेरे इंट्रोडक्शन वीडियो भी शूट हुई थी जिसमें मेरे को अपनी प्रोफाइल देनी थी, तो वो भी शूट होती है। तो वो अगर आपको इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं आती तो आप मुझे यूट्यूब पे सर्च कर लो, इंट्रोडक्शन वीडियो आपको पता चल जाएगी कैसे देते हैं, जिसमें आपको नेम, एज, हाइट और आपको अपनी साइड प्रोफाइल, राइट लेफ्ट प्रोफाइल देनी होती है, फ्रंट प्रोफाइल देनी होती है, उसमें एक्सप्रेशंस देने होते हैं आपको, तो वो चीज़ें देनी होती है। तो ये दिया, बाकी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था मेरा। और अगर आपके कोई सवाल है इससे रिलेटेड तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता दो, मैं उसका डेफिनेटली जवाब दूंगा। कि अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा। और बेस्ट ऑफ लक आप सबको। अगर थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको पसंद आई तो लाइक, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय। बाकी मेरा फेस थोड़ा इस टाइप में इसलिए हो रहा है बिकॉज मेरी 2 दिन से तबीयत ख़राब है, एंड तो इस वजह से थोड़ा मैं इस टाइप का हो रहा हूँ अभी। बाय बाय।